डेविड वार्नर पारी की शुरुआत करने आए हैं। आंकड़े इनकी कहानी बयां करते हैं। पिछले मैच के स्टार परफॉर्मर्स गुरबाज 153 में पारी, 140 का स्ट्राइक रेट। दिलशान मधुशंका आज इनको प्लेइंग 11 में शामिल किया गया, एकमात्र चेंज चार्जा वॉरियर में। वो पहली गेंद बिल्कुल निशाने पे, गेंद और बल्ले के बीच की लड़ाई है। और मेरे साथ कॉम्बॉक्स में भी एक गेंदबाज और एक बल्लेबाज है, वीरेंद्र सहवाग, साथ में वकार यूनिस, स्वागत है। आप हमेशा गेम में रहेंगे। बिल्कुल, अगर ऐसे रूम देंगे तो फिर चौका ही मिलेगा। हाथ खोलने का जैसे ही मौका देते हो बल्लेबाज को तो फिर वो अपने हाथ खोलता है। और वो मधुशंका दूसरा ओवर डालने आए हैं, जगह बनाई है, हट के खेला है, डट के खेला है और चार रन अपने नाम किए। ये दूसरा चौका गुरबाज के बल्ले से आसान हो जाता है। बहुत ही उमदा शॉट, बहुत ही उमदा शॉट। एक दफा फिर थोड़ा सा रूम बनाया और ऊपर से खेल दिया मिड ऑफ के, मिलती ही मिलती है। ये बेहतर बेहतर शॉट, थोड़ा इंतजार किया, इस दफा तेज किया हुआ गेंद था। पिछले ओवर में गालिबन 6 में से 3-4 गेंद स्लोर किए हुए। गुड बॉल, शॉट मारते हुए लेकिन पकड़े गए कवर में, ऊंचा बॉल था। अगेन पेस को चेंज किया, पीछे किया, कवर कर रहा, ऊपर से टपाना चाह रहे थे लेकिन हो नहीं सका। जो अच्छे फॉर्म में थे इस बार वही है, थोड़ा स्ट्राइक रेट बढ़ाने का प्रयास, बैक फुट पे आके पंच किया था पर नीचे खेल गए। और अगर ऊपर खेलते तो फिर वहां पर फील्डर के ऊपर से बॉल निकल सकती थी। सैम्स ने पहला विकेट ले लिया है शारजा वॉरियर्स के लिए, इन फॉर्म बैटर। सफलता मिल गई है, आते ही जेक फ्रेजर का यह शॉट हवा में सीधा स्टैंड में। इस खिलाड़ी ने पिछले मैच में शानदार पारी खेली थी, आक्रामक शॉट्स खेले थे और उसकी शुरुआत फिर से हो गई है। डीपी वर्ल्ड एक छक्के के साथ एक क्रिकेट किट जो है वो डोनेट करता है ग्रास रूट क्रिकेट को, और ये छक्के के साथ वो एक धमाकेदार बारी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे ये देखना बाकी है। अभी उल्टी स्वीप और चौके के लिए बाहर, सीधा नहीं लगता, उल्टा मार के दिखाऊंगा आपको। ये लीजिए, वार्नर का खाता भी खोला चौके के साथ। वार्नर के लिए क्या करेंगे, अच्छा लंबा शॉट मारने की कोशिश करेंगे, कैच आउट होंगे, बिल्कुल होंगे। वार्नर एक बार फिर नाकाम होते हुए। बहुत बड़ा विकेट है ये डेविड वार्नर का, वो स्ट्रगल जो चल रहा था वो अब खत्म हो गया है क्योंकि डेविड वार्नर को जाना पड़ेगा वापस, उसको क्लियर कर नहीं पाए। यही स्लो डिलीवरी, अच्छा मिश्रण, सही वेरिएशन पेस का और पावर उतना मिला नहीं यहाँ पर, सीधा यहाँ क्रिस वोक्स के हाथ में। अब उम्मीदें थमाई है सैम बिलिंग्स के हाथ, कदमों का प्रयोग, ये बेहतरीन तरीका होता है स्पिनर्स को खेलने का, लेकिन अगर आपको एलिवेशन मिले तो वोक्स वहां पे खड़े थे, उस गलती का इंतजार करते, वो गलती की फ्रेजर ने और उसे कामयाजा भुगतना पड़ेगा, होगा वापस इस तरह से। और रीमा की आवाज में भी तेजी आ गई क्योंकि रीमा को पसंद आ रहा है कि नहीं रीमा, क्योंकि आपने प्रेडिक्ट किया है कि शारजा वॉरियर्स जीतेगा, पर ये बहुत बड़ा विकेट है। कड़क ये शॉट है इस बार सकंदर राजा के बल्ले से, पहला छक्का, दिशी छक्का। इस शॉट में वो ताकत थी और खासियत थी, पोजीशन पे जल्दी आए। दवादुल्ला जो जिनका एक्सपीरियंस इतना नहीं है, थोड़ा पीछे गिरा बैठे गेंद, और क्योंकि इस बाउंड्री इस साइड पे मिड विकेट साइड पे राइट हैंडर के वो थोड़ी सी छोटी है, और सिकंदर वैसे भी ये बहुत ही अच्छा शॉट खेलते हैं, ये दूसरी साइड में भी होता तो शायद ये छक्का ही जाता। दार स्पेल डाला था, इसमें होल्डर की गेंदबाजी अच्छी थी, यहाँ पे शॉट बड़ी खेलने की सोची थी, ऊंचाई भी मिली है, दूरी भी मिली है, सीधा शॉट खेला था, 6 रन अपने नाम किए। ऐसी एक नहीं अनेक शॉट की दरकार है इस समय दुबई कैपिटल्स को। नहीं कर सके लेकिन इस दफा उन्होंने कोशिश की कि मैं गेंद के जितना करीब पहुंचूं, ऊंचा जितना मर्जी जाए, लेकिन ये होना चाहिए कि जो 80 मीटर का दायरा है उसके ऊपर से मुझे जाना ही जाना है। बहुत ही उमदा शॉट, बड़ा लंबा छक्का था और ये छक्का मार के कंटेंशन में लेके आ गए अपने आप को। ये भी अच्छा शॉट है, ओह सुपर्ब एग्जीक्यूशन है ये शॉट का, 6 रन भी जड़ दिए यहाँ पर, बैक टू बैक 2 छक्का और इसके साथ साथ वर्षत की साझेदारी भी पूरी हो गई, इसके साथ साथ मोमेंटम भी जनरेट किया। देखिए बिल्कुल जिसके पास बैट स्पीड है उसे स्टेप आउट करने की जरूरत नहीं है, वो खड़े खड़े मार सकता है। और इस छक्के के साथ अर्शद की साझेदारी, 100 रन पूरे,
और फोटो खिंचवाने के लिए इन्होंने पोज भी दिया है सिकंदर रजा ने, तो आसान नहीं होगा वॉरियर्स के लिए। एक और कवर्स के पास बढ़िया शॉट, ये भी चार रन। जी हाँ, शॉट ऐसा था कि घास में आग लगाती हुई गई है गेंद। साझेदार ने वापसी कराई है दुबई कैपिटल्स की, वरना तो ऐसा लग रहा था एक पे छोटी छोटा टारगेट देंगे, लेकिन कमाल का शॉट है ये, स्लॉग स्वीप कह ले आड़ा कह ले दुबई कैपिटल्स का। अच्छी पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिया है, यहाँ से 122 रन है, 15वां ओवर चल रहा है, अगले पाँच में अगर 30 गेंदों में 50 रन भी बनते तो भी 170-180 तक पहुँच सकते हैं, अभी चौका लग सकता है क्योंकि बल्लेबाज सिर्फ चौका ही ढूंढता है। लेकिन सब आपकी बात बिल्कुल सही रही, मारना चाहते थे फाइनल के ऊपर से, लेकिन बल्ले पर लग के या शरीर पर लगकर विकेट में जा गिरी, किस्मत ने साथ नहीं दिया। और खेलने के चक्कर में तब तक बॉल आई नहीं, और जब आई तब तक बहुत देर हो गई थी, शरीर पे लगी और उसके बाद सीधा विकेटों से जाके टकरा गई। अनफॉर्चुनेट डिसमिसल यहाँ पर सिकंदर रजा को, शायद बिलिंग के ऊपर है कि कितना बिल भेजते हैं ये, चार रन के लिए कवर से बाहर, ये चीज फिलहाल तो बिल फाड़ रहे हैं पदुशंका का। ओके, बल्लेबाजी करनी होगी जैसे, चले मौका 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 भुना, यहाँ पे धीमी गति से आए थे, ऐसा लगा था चूक रहे हैं, लेकिन गेंद छोड़ी नहीं, नजर रखी रही और तीक्ष्णा ने एक बार फिर तीर चलाया और अपने नाम दूसरी सफलता प्राप्त की। पिछले मुकाबले में विकेट, इस मुकाबले में विकेट, शानदार ये गेंदबाज है और इस टूर्नामेंट का लीडिंग विकेट टेकर में अपना नाम शामिल कर लिया है वहां पे। अच्छा शॉट, 50 रन भी पूरे होंगे इसके साथ साथ, क्या ये चौका होगा? नहीं, लेकिन सैम बिलिंग 50 रन की बारी खेली उन्होंने, बहुत ही अच्छा खेले हैं ये, कमाल का खेले हैं। अगर ये ना होते और सिकंदर रजा ना अच्छी बैटिंग करते शायद ये 150 भी नहीं कर पाते, लेकिन अब 160 के करीब पहुंच चुके हैं। बताइए, मैं आपको करगा के देता हूं, ये लीजिए पहला शॉट और सीधा हाथ में। देखिए, मैं ये चाहती थी कि मैंने वॉरियर्स का प्रेडिक्शन किया कि वो जीतेंगे आज, अब आप बताएं आप कितना स्कोर चाहते थे। आउट हुए, अच्छा शॉट मारना चाहते थे लेकिन सीधा हाथ में गया डीप मिड विकेट में, और तेज कैच, वेल जस्ट और वन यॉर्कर जॉकर, नहीं अच्छा शॉट और जाएगा 6 रन के लिए बाहर, नहीं गलत लाइन, यॉर्कर नोज एंड टोज, लेकिन ये ना नोस था ना टोस था, ये स्लॉट में थी इसलिए वो प्लॉट में दे मारा, लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी मौजूद था उसके ऊपर से वो 6 रन अपने नाम किए। अब यहाँ से जो भी रन आएंगे ना वो बोनस है दुबई कैपिटल्स के लिए। आखिरी गेंद, हटके मारा है यहाँ पे, बेहतरीन फील्डिंग, हर एक रन जो आप बचाते हैं वो आप कमाते हैं, दो की मांग है, दो मिलेंगे यहाँ पे, शानदार रनिंग, हर एक रन की अहमियत आपको तब पता चलेगी जब आप गेंदबाजी के लिए उतरेंगे। फिलहाल 20 ओवर यहाँ हुए समाप्त, 170 पे सिमटी दुबई कैपिटल्स की टीम, 7 विकेट गवा के लक्ष्य दिए है 171। तीक्ष्णा कमाल का ये गेंदबाज है, 6 सफलता इनके नाम है, अब गेंदे 120 है, लक्ष्य 171 का। शारजा वॉरियर्स क्या लक्ष्य प्राप्त कर पाएगी, ब्रेक के उस पार देखिए। 137 मैचेस, लगभग 9000 लगभग पिछले मुकाबले में 40 रन बनाए थे लेकिन अपनी टीम को जिता नहीं पाए। मार्टिन कैप्टन जेसन होल्डर, जॉनसन चार्ल्स पहली गेंद, ओ अगर ऐसी एक दो गेंद ठिकाने पर गिर गई तो मुश्किल हो जाएगी वॉरियर्स के लिए। ये है जॉनसन चार्ल्स, इसी तरह से बैटिंग करते हैं, बल्ला घुमाया भी और अच्छी टाइमिंग भी हो गई, अंत में 4 रन आ गए यहां पर चार्ल्स के लिए। चमीरा अधिक गेंद, गति के साथ रनआउट का भी चांस बन सकता है और रनआउट कर भी गया, मार्टिन गप्तुल को वापस भेज दिया, बेहतरीन फिटनेस दिखाई यहाँ पर चमीरा ने। जो सोच रहे थे जब वो, उनको ये था, डर था कि शायद अंपायर उंगली खड़ी कर देगा, इसलिए जल्दी से भागे और फिर गिव अप कर दिया, कोशिश ही नहीं की वापस आने की, और बहुत ही उमदा फील्डिंग, बड़े अच्छे अपने आप को बैलेंस किया। और हालांकि यहां से गेंद को थ्रो करना और विकेटों को मारना का आसान काम नहीं है, तकरीबन एक विकेट या थोड़ी सी एक से ज्यादा उनको दिख रही थी, लेकिन कभी कभी छोटे नाम भी कमाल कर जाते हैं। लेकिन अगर इस प्रकार से शॉट लगाएंगे चार्ल्स और खेलेंगे तो शायद बड़े नाम या बड़े ज्यादा प्लेयरों की, बल्लेबाजों की जरूरत भी नहीं है, ये हारे थे पिछला मुकाबला भी।
ये मैं बहुत बड़ा चेंज देख रहा हूँ वगैरह, ये छक्का खाने के बाद ये पेस बोलर ना स्टेयर करता है बैटर को, कुछ भी नहीं, नीचे सर किया वापस चले गए। 20 ओवर की क्रिकेट है भैया। मुझे लगता है 90 के जो गेंदबाज थे उनके पास दिल ज्यादा बड़ा था। वाह, दूसरा झटका लगा है, बहुत बढ़िया गेंद पड़ के थोड़ा सा अंदर आई इनसाइड एज कॉट बैंड, बॉल टप्पे पे ठकाने पे डाले तो बल्लेबाज को मुश्किल हो गई। ओ ये तो बाहर ही गया, मुझे लगा कि पड़ के अंदर आया लेकिन ये तो गेंद बाहर ही गई, बाहर ही किनारा लगा, आसान सा कैच गुरबाज के लिए, चांसेस क्रिएट होते हैं। ये रिस्पांस है यहाँ पर चार्ल्स का, कहाँ से कहाँ मारा है ये। जो छक्का अभी दिख रहा है ये मैं आपको ये बता दूं, ये एंड पे जब टूर्नामेंट खत्म होगा तो ये ऊपर के दो तीन बड़े छक्कों में जरूर होगा। 102 मीटर ऊंचाई अगर देखी जाए तो 102 ऊंचाई भी होगी इस पर दोनों। यहां मौका बन गया है, विकेट गिर सकता है और विकेट गिर भी गया, कैच पकड़ लिया कप्तान डेविड वार्नर ने, वही गलती जो इस टूर्नामेंट में कई बल्लेबाज कर चुके हैं, एक छक्का लगा दिया था फिर से जोर से मारने की कोशिश, हवा में गई गेंद, डेविड वार्नर इस तरह के कैचेस कहां छोड़ते हैं। आज की स्पीड से किया हुआ गेंद था इसीलिए उसको कंट्रोल नहीं कर सके, क्रॉस बैट थोड़ा सा शॉट खेलना चाहते थे, मिडॉन की तरफ खींचना चाहते थे। अच्छा शॉट 4 रन के लिए, इसी के साथ वॉरियर के भी 50 हो गए हैं और फटके मारा है, कड़क ये शॉट है, 4 रन देखे जाएगी, ओवर की आखिरी गेंद 4 रन से समाप्त 60/3 पावर प्ले के बाद। ये शॉट क्या 50 रन हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, चार्ल्स के 50 रन पूरे हो जाते, बैक टू बैक 50 चार्ल्स के लिए, चौके से इस ओवर की समाप्ति 71/3। जैसे में लड़ाई भी हुई विकेट ऐसी क्यों बनाते हो? फास्टेस्ट बॉलर आपके हाथ में, इसी प्रकार का छक्का मारा था एमएस ने सामने भर के, इसी प्रकार का शोएब अख्तर को, नहीं भी 2-3 बार बोल देगा उन्हें पूरा खेलना पड़ेगा। ओहो, अगर इस प्रकार के शॉट खेलते रहे तो पूरा खेलने की जरूरत नहीं है, शायद 17-18 में निपटा देंगे मुकाबले को। पहले 10 ओवर जो पहली टीम के रहे थे वो केवल 61 रन बनाए थे दुबई कैपिटल्स ने, और इसकी बात करें तो इनके 10 ओवरों में लगभग 98 रन। क्लीन बॉल्स, यू मिस, आई हिट वाला फॉर्मूला अपनाया, सीधी गेंद रखी, स्टंप्स पे रखी, बेसिक्स अपने राइट रखे और कैगरी को यहां पे किया चलता, शायद ये वो विकेट जहां कहानी पलट सकती है, और ये विकेट उनको डेफिनेटली हौसला जरूर देगी। बहुत ही उमदा गेंद, हल्का सा पड़ने के बाद अंदर की जानिब आया और ग्रेगरी जो अपनी क्रीज के अंदर ही फंसे हुए, कड़क ये शॉट है, खिलाड़ी नीचे है लेकिन अब केवल गेंद उठा के दे सकते हैं क्योंकि पिछली गेंद पे आया चौका तो इस गेंद पे आया छक्का, यानी कि 10 रन इस ओवर में आ चुके हैं और इसके लिए बहुत बड़ी हिट चाहिए थी इस बाउंड्री को क्लियर करने। एक सेकंड के लिए लगा कि शायद सिकंदर गेम में है, शायद वो कैच कर लें, लेकिन क्योंकि ये मिडिल से निकला था, बल्ले के बीच में से निकला था, बाकी के जो रन बचे हुए हैं। ऊंची बहुत गई है, कौन पकड़ेगा, विकेट कीपर नीचे आए हैं, कमेंटेटर कर्स लग गया है चार्ल्स को, हम यही बात कर रहे थे अभी, 27 रन चाहिए 23 गेंदों पे और पांचवा विकेट गिर गया है। जॉनसन चार्ल्स ने की इस पारी की और उसका खामियाजा भुगतना होगा, जोर से मारने की कोशिश, दबाव बनाने का प्रयास पर अब दबाव बनेगा चार्जर वॉरियर्स के ऊपर। गुरबाज ने अच्छा कैच पकड़ा, इतनी ऊंची गई थी कि नीचे आने का नाम ही नहीं ले रही थी वहां पर गेंद पर, जब आई गुरबाज थे तैयार। Was your catch not mine? पुल क्या, चौका जरूर मिलेगा जी हाँ, देखिए ऐसी खराब गेंद मिलेगी तो चौका मिल ही जाएगा, देखना बाकी है। स्कोर 1 नहीं, और ये लीजिए छक्का। बातचीत मैंने आपसे पहले ही कहा, रिसेप्शन से मैंने कर ली है, जल्दी खत्म करवाएंगे कि नहीं? बिल्कुल करवाएंगे, तोहफे के रूप में, और जैसे ही तोहफा मिलता है तो हर कोई कबूल करता है, दोनों हाथों से कबूल करता है, वैसे अमीद ने भी कबूल किया।
ओ, मारना चाहते थे लंबा प्रहार, लेकिन ये तो चौका हो गया और मैच मुक गया जी। बिल्कुल शोएब अख्तर ने सही कहा था, एक गेंद देर से खत्म हुआ लेकिन एक ओवर पहले फिर भी खत्म हो गया। जबरदस्त जीत यहां पर दर्ज कर दी है शारजा वॉरियर्स ने, सीजन 2 की पहली जीत, वो भी दुबई कैपिटल्स के सामने 5 विकेटों से ये मुकाबला जीत लिया है।